गुड मॉर्निंग ओडिशा आपण समस्तंकु आमो न्यूज चैनल को स्वागत पुणी थरे आसंतु आज दिनर समस्त बड़ा बड़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज जानि नबा। ओडिशा रे खूब शीघ्र आरंभ हबो पुराना गाड़ी स्क्रैपिंग व्यवस्था। दुईटी घर संस्था को स्क्रैपिंग यूनिट प्रतिष्ठा करने को अनुमति जानिबा संपूर्ण खबर एही वीडियो माध्यम रे। महिला को पाई खुशी खबर, सरकार सिलाई मशीन बाबद को 9000 टंका अकाउंट को पठाउछन्ति। जानिबा कि मानकर अकाउंट रे आसुची एही टंका संपूर्ण खबर एही वीडियो माध्यम रे। पश्चिम झड़ को नेई विभाग बा पानी पाग विभाग रो चेतावनी 29 तारीख रात्रि उत्तर पश्चिम ओडिशा को प्रभावित करबा वर्षा। संपूर्ण खबर जानिबा आउ किछि मिनिट माध्यम रे। स्कूल छात्र छात्री मानक पई बड़ घोषणा, धरा पड़िले 25 वर्ष पर्यंत जेल। संपूर्ण खबर जानिबा आउ किछि मिनिट माध्यम रे। पुणी फेरिला कि महामारी 10000 टपिला पॉजिटिव केस, गोटे स्कूल 37 पॉजिटिव पुणी हेबो लॉकडाउन। संपूर्ण खबर जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। विवाहित लोक माने हेबे मालामाल, मोदी सरकार देउछंती 51000 टंका। संपूर्ण खबर एही वीडियो माध्यम रे जानि परिबे। ता सहित आहुरी अन्य खबर रहिछि जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। ता पूर्वरु न्यूज को आपण माने केउ जिल्ला रे देखुछंती कमेंट करी जणांतु। ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे चालंतु आउ डेरी करिबा नाही, आजर खबर टेको आरंभ करिनबा। ओडिशा रे खूब शीघ्र आरंभ हेबो पुराना गाड़ी स्क्रैपिंग व्यवस्था। दुईटी घर संस्था को स्क्रैपिंग यूनिट प्रतिष्ठा करने को अनुमति। राज्य में खूब शीघ्र पुराना गाड़ी रे स्क्रैपिंग व्यवस्था आरंभ हेबो बोली जना पड़ी। राज्य सरकार दुईटी घर संस्था को स्क्रैपिंग यूनिट प्रतिष्ठा करने अनुमति देते। खोर्धार प्रथम कंपनी स्क्रैपिंग यूनिट प्रतिष्ठा कर सूचना मिली। केन्द्र सरकार मार्गदर्शिका अनुसार राज्य परिवहन विभाग गाड़ी स्क्रैपिंग व्यवस्था आरंभ कर। हाँ दर्शक बंधु, तेज घर गाड़ी स्क्रैपिंग आरंभ करने विधिवत निष्पत्ति निपाई घर मालिक मानू भयभीत न होगा राज्य सरकार परामर्श दे। गत मास सड़क परिवहन मंत्री टुकुनी साहू विधानसभा सूचना देते जे मार्च 15 पर राज्य में 15 वर्ष ऊर्ध 2,49,500 गाड़ी स्क्रैपिंग करा जिबो। सेति मध्यरु 1,25,351 बाइक रही। सेहिपरि राज्य में वर्तमान 8,20,200 गाड़ी पंजीकृत हो भल फिटनेस सहित रास्तार गड़ुवा मंत्री कहते। प्रथम पर्यायर 15 वर्ष ऊर्ध सरकारी गाड़ी गुड़िक प्रथम स्क्रैपिंग हो सरकार निष्पत्ति। परिवेश संतुलन बजाय रखापी स्क्रैपिंग नीति कार्यकारी करने को केन्द्र सरकार राज्य मानी जमापड़ी। परवर्ती खबर, खोर्धा चाकरिया खुशी खबर, आसंता बुधवार ऑफिस छुट्टी। खोर्धा सरकारी चाकरिया खुशी खबर। दर्शक बंधु, आसंता बुधवार अर्थात आसंता काली लोकाल हॉलिडे भाव छुट्टी घोषणा कर। अप्रैल 29 तारीख बुधवार आशुकाष्टमी पालन हेब। यह दिन को छुट्टी घोषणा कर डीआरएस। से कहते जे एही दिन हेउछि लोकल हॉलिडे, तेणु एही दिन खोर्धार समस्त ऑफिस बा सरकारी ऑफिस बंद रहिबो बोली से सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर, महिलांक पई खुशी खबर, सिलाई मशीन पई टंका देउछन्ति सरकार। महिला मानक पई खुशी खबर, सरकार सिलाई मशीन बाबद को 9000 टंका देउछन्ति। दर्शक बंधु, गरीबंक पई केन्द्र सरकार अनेक योजना आरंभ करिछन्ति। केतेक योजना अधीन रे सरकार सीधा सलख लोकंकु सहायता जोगाउछन्ति। एभली योजना विषय में समस्त प्रकार सूचना सोशल मीडिया रे मध्ये वायरल होबार लागिछे। वर्तमान एभली एक दाबी सोशल मीडिया रे वायरल होबार लागिछे जेउथिरे कुहा जाउछि जे सरकार महिला मानकु मागणा सिलाई मशीन बाबद को देबाकु जाउछन्ति। हाँ दर्शक बंधु, यूट्यूब एक वीडियो दाबी करा जाउछि जे एक मागणा सिलाई मशीन स्कीम केन्द्र सरकार चलाउछन्ति जेउथिरे महिला माने 9000 टंका पाउछन्ति। ए पद्धति को मध्य व्याख्या करा जाय छे। वीके हिंदी वर्ल्ड नामक एक यूट्यूब चैनल एक वीडियो दाबी करुछि जे पीएम मागणा सिलाई मशीन स्कीम अधीन रे महिला माने सेमानकर बैंक अकाउंट रे मागणा सिलाई मशीन बाबद को 9000 टंका पाउछन्ति। यार उद्देश्य होउछि देशर महिला मानकु आत्मनिर्भरशील करबा। किछि मास पूर्वरु हजार हजार लोक ए वीडियो अपलोड होइतिबा देखिछन्ति ओ वर्तमान याकु बारंबार शेयर करा जाउछि। वर्तमान ए वायरल वीडियो रो सत्यता बाबद रे जानंतु। वास्तव रे वीडियो रे दिया जायतिबा सूचना संपूर्ण भूल अटे। एभली योजना केन्द्र सरकार को द्वारा परिचालित होय नाही। एहि दाबी संपूर्ण नकली। कोनोसी योजना अधीन रे महिला को अकाउंट रे 9000 टंका रखिबा विषय रे सरकार आलोचना करिनांती बोली जणा पडिछे। परवर्ती खबर, पश्चिम झड़ को नेई पानी पाग विभाग रो चेतावनी 29 तारीख रात्रि उत्तर पश्चिम ओडिशा को प्रभावित करिबो। आउ एक पश्चिम झड़ प्रभाव में भिजिबो ओडिशा।
आसंता 29 तारीख रातिरु देशर उत्तर पश्चिम भाग को प्रभावित करिब आउ एक पश्चिमा झड़ एहाकु नै सतर्क कराइछि पाणिपाग विभाग। दर्शक बंधु आज आसंता काली 29 तारीख 30 ओ 31 तारीख पई येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। 29 तारीख रे बा मार्च 29 रे आउ एक पश्चिमा झड़ सक्रिय हेब यह प्रभाव में 30 ओ 31 रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है। वर्तमान मध्य पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षार अनुभूत होउछे। आज और आसंता काली राज्यर विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होवार संभावना रही है। वर्तमान पश्चिमा झड़ प्रभाव में गत काली 27 थिला एवं आज 28 तारीख घड़घड़ी सह वर्षा हेबो एवं 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिबो। तेबे यार प्रभाव शेष न हेणु 29 तारीख बेलकु आउ एक पश्चिमा झड़ आसुचि बोली जना पड़िछे। परवर्ती खबर केवल विवाह करिले मिलेनी स्वामी एवं ससुरंकर संपत्ति उपरे अधिकार एहाकु नेकि कोन रहिछि आइन जानंतु। दर्शक बंधु कुहा जाउछि जे विवाह परे जने महिलांको पई तांको सासुघर सबु किछि या मध्य घटे जे विवाह परे जने महिला निज पिता माता भाई ओ भौणी मानकु छाड़ी सासु घरे बिताई थाए किंतु जने महिला की परि तांको स्वामी एवं सासुंको संपत्ति उपरे अधिकार पाइछंती ता विषय आपण जानिछंती कि एपरि परिस्थिति रे तीनोटी नियम जहां जने पत्नी को तार स्वामी किंबा सासुघर संपत्तिर अधिकार निश्चय करे। हाँ दर्शक बंधु निर्णय करे संपत्ति उत्तराधिकार निष्पत्ति रे भारतीय उत्तराधिकार आईन हिंदू उत्तराधिकार आईन एवं मुस्लिम व्यक्तिगत आईन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। संपत्ति रे कहारो अधिकार अछि एही नियम स्थिर करे। एही आईनगत व्यवस्था गुड़िक को देखिले यह जना पड़े जे केवल विवाह करिबा द्वारा जने महिला निज स्वामी किंबा सासुंको संपत्ति अधिकार पाई पारिबे नाही किंतु यह परिस्थिति उपरे निर्भर करे बोली जना पड़िछे। स्वामी जीवित थिबा बेले पत्नीकर संपत्ति रे कोनोसी अधिकार न थाए। स्वामी जीवित थिबा बेले पत्नीकर निजर अधिग्रहण संपत्ति रे कोनोसी अधिकार पाए नाही। महिला स्वामीकर मृत्यु परे ही संपत्ति रे अधिकार पाए किंतु जदि स्वामी मृत्यु पूर्वरु अन्य किछि इच्छा करथिबे तेबे संपत्ति रे अधिकार सही अनुसार स्थिर हेबो बोली जणा पडिछे। आईन रे जणे महिला केवल रक्षण बेषण पाए स्वामीकर थारु रक्षण बेषण मांगिबार अधिकार अछि किंतु अलगा हेबा परे से स्वामी को संपत्ति रे अधिकार मिले नाही। सासु को संपत्ति रे स्वामी को मृत्यु परे ही अधिकार दिया जाय बोली जणा पड़िछे। परवर्ती खबर स्कूल छात्र छात्री माने गाड़ी चलाउछंती कि धरा पड़िले 25 वर्ष पर्यंत मिलिबनी लाइसेंस। आज थारु जांच हेबो कड़ाकुड़ी परिवहन विभाग पक्षरु आसिला सूचना विशेष करी स्कूल छात्र छात्री ओ मद्यपान ड्राइवरंकर उपरे रहिबो नजर। धरा पड़िले कड़ा कार्यानुष्ठान हेबा नहीं सूचना देले परिवहन विभाग अतिरिक्त कमिश्नर लालमोहन सेठी। दर्शक बंधु स्कूल छात्र छात्री गाड़ी चलाउछंते कि होइ जानतु सावधान। आज थारु जांच कड़ाकड़ी करिबो परिवहन विभाग धरा पड़िले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सचेतन देइछंती परिवहन विभाग एनफोर्समेंट अतिरिक्त कमिश्नर। छात्र छात्री माने जदि गाड़ी चलाउबा समय रे धरा पड़ंती तबे सेमानकु 25 वर्ष पर्यंत लाइसेंस प्रदान करा जिवो नाही। सही परि सेमाने चलाउथिबा गाड़ी को जबत करा जिवा सह 25,000 टंका जरिमाना आदाय करा जिवो। केवल सेतिकि नहे गाड़ी मालिकंकु मध्य गिरफ करा जिवो बोली कड़ा चेतावनी देइछंती एनफोर्समेंट अतिरिक्त कमिश्नर। परवर्ती खबर पुणी फेरिला कि महामारी 10,000 टपिला पॉजिटिव केस गोटिए स्कूल 37 केस। दर्शक बंधु गोटे वर्षर व्यवधान पर पुणी थरे देश में कोरोना आक्रांतक संख्या वृद्धि पाउछे। रविवार देश में 1805 नुआ आक्रांत चिन्हट होती गत 149 दिन भितर यह सर्वाधिक बोली रेकर्ड करा जायछे। देशर विभिन्न राज्य में कोरोना रोगी संख्या दिनकू दिन बढ़िबारे लगी तेरे महाराष्ट्र संक्रमण वर्तमान चिंतार विषय पलटिछे। यहाँ सहित आक्टिव केस 10,000 अतिक्रम कर स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार रविवार देशर कोविड संक्रमित संख्या 1805 रेकर्ड करे जायछे। तबे विशेष करी महाराष्ट्र ही देशर एक चतुर्थांश अर्थात 397 टी नुआ केस चिन्हट होईछि जहाकु नै वर्तमान चिंता आहुरी बढ़िबारे लागिछि। कोरोना महामारी प्रथम एवं द्वितीय लहर रे मध्य महाराष्ट्र संक्रमण हब पलटिथिला वर्तमान ठारे संक्रमण वृद्धि पाइबारु लोकंक मनरे छनका देखाउछि। परवर्ती खबर 500 टंका कदली 1600 टंका रे अंगुर रमजान रे कांदुछि पाकिस्तान। रमजान मास आरंभ होईछि मुद्रास्फीति जोगु पाकिस्तान रे दरदाम आकाश छुआ होईछि। कदली दर्जन रे 500 टंका मूल्यरे बिक्री हेउथिबा बेले अंगुर किलोग्राम प्रति 1600 टंका रे पहुँचिछि। सेहीपरि खजुर किलोग्राम पिछा 1000 टंका मूल्य रे मिलुछि। गत वर्ष तुलना फल एवं राशन मूल्य रे अधिक दर रे बा अधिक दाम रे बिक्री हेउछि।
रमजान समय पाकिस्तान मुद्रास्फीति केवल गोटे शहर से सीमित नुहे। कराची, इस्लामाबाद एवं लाहौर भली बड़ शहर में मुद्रास्फीति सर्वोच्च स्तर में रही है। गत वर्ष पर्व तुलन में एथर किणाकिणी बहुत कम बोली दोकानी मैंने कहते दरदाम वृद्धि जगू लोक मैंने कम सामग्री किणुंट जमापड़े। परवर्ती खबर, बिवाहित लोक मैंने मालामाल मोदी सरकार देउछंती 51,000 टंका। केन्द्र सरकार एक स्वतंत्र योजना आरंभ करिछंती जेउथरे बिवाहित लोक मानंकु बड़ फायदा मिलुछे। जदि आपण मध्य विवाह करिछंती तबे मोदी सरकार आपणंकु टंका देबाकु जाउछंती। केन्द्र सरकार वर्तमान बिवाहित दंपतिंकु संपूर्ण 51,000 टंका देबाकु निष्पत्ति नेइछंती। एहि सरकारी योजनार नाम होइछि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जेउथरे आपणंकु वृद्धावस्था रे पेंशनर सुविधा मध्य मिलिब। 31 मार्च पर्यंत यार लाभ उठाई पारिबे, तबे 31 मार्च 2023 पर्यंत आपण ए योजनार लाभ उठाई पारिबे। एथिरे उभय स्वामी स्त्री उपकृत हेबे। वर्तमान विवाह करिछंती, वर्तमान विवाह जे माने करिछंती से माने वृद्धावस्था रे सरकारी पेंशनर सुविधा पाइबे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हेउछि एक सामाजिक सुरक्षा योजना, जेउथिरे आवेदनकारी को वार्षिक, त्रैमासिक किंबा मासिक पेंशन प्रदान करिवार व्यवस्था रहिछे। भारत सरकार यह योजना आनिछंती एवं यह योजना लाइफ इन्स्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा परिचालित। 60 वर्ष किंबा तद्ध बा तद्धुत व्यक्ति यह योजना पर योग्य। यह योजना अधीन से सर्वाधिक 15,00,000 टंका निवेश करिपारिबे। पूर्वर यह योजन केवल 7.5,00,000 बा 5,00,000 निवेश होता, किंतु परे एही परिमाण दुई गुण को वृद्धि कर जायछे। एही योजना रे अन्य योजना तुलन रे वरिष्ठ नागरिक मानकु अधिक सुध मिलिथाय। जदि उभय स्वामी स्त्री एही योजना रो लाभ उठाइबाकु चाहंती तबे उभयंकु प्राय 3,500,000 टंका निवेश करिबाकु पड़िबो। एही योजना रे वार्षिक 7.40% रु अधिक सुध मिले। हाँ दर्शक बंधु, से ही अनुजाई निवेशकों वार्षिक पेंशन 51,000 टंका बा 51,045 टंका हेबो। यदि आपण ए पेंशन मासिक नेबाकु चाहूछंती तेबे प्रति मासरे आपण पेंशन भाबरे 4,100 टंका पाइबे। परवर्ती खबर, एफडी रे अधिक लाभ पाइबार शेष सुजोग आउ मात्र 4 दिन बाकी अछि। एही दुईटी स्वतंत्र एफडी स्कीम बंद हेबाकु जाउछि। भारत रे निरापत्ता पूंजी विनियोग पई बैंक एफडी सर्वदा लोकंक पसंद होई आसुछि। गत एक वर्ष मध्ये सुध हार रे क्रमागत वृद्धि हेतु बैंक गुडीक मध्य एफडी उपरे सुध हार वृद्धि करिछंती। ए पर्यायर देशर बृहत्तम सरकारी एवं बेसरकारी बैंक गुड़िक स्वतंत्र एफडी योजना बंद करने को जाऊँगी, जहाँ अधिक सुध दे थाए। आउ मात्र 4 दिन बाकी अच्छी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एचडीएफसी बैंक से मानकर दुईटी स्वतंत्र एफडी योजना बंद करने को जाऊँगी। स्वतंत्र एफडी विनियोग करार शेष तारीख होउछि मार्च 31। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेब्रुआरी 15, 2023 रे अमृत कालस नाम 400 दिनिया पई एक स्वतंत्र एफडी आरंभ करथिला। एथिरे वरिष्ठ नागरिक मानंकु 7.60% एवं साधारण ग्राहक मानंकु 7.10% सुध दिया जाउथला। धरा जाउ जदि आपण एसबीआई रो स्वतंत्र स्कीम अधीन रे 1,00,000 टंका एफडी करंती तबे 400 दिन हेबा परे बा 400 दिन शेष हेबा परे आपण साधारण निवेशकक पई मोट 8,017 टंका सुध पाइबे, जेतेबेले वरिष्ठ नागरिक माने 8,600 टंका सुध पाइबे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो जे कोनोसी शाखा परिदर्शन करी आपण एफडी पई आवेदन करि पारिबे। या व्यतीत घरे बसी एसबीआई योनो आप माध्यम रे विनियोग करि पारिबे। देशर सर्वबृहत घरोई बैंक एचडीएफसी एवं सीनियर सिटीजन केयर एफडी 7.75% सुध देउछि। स्वतंत्र स्थिर जमा योजना रे विनियोग करिवार शेष तारीख हेउछि मार्च 31। सूचना योग्य, गत वर्ष बा गत एक वर्ष मध्ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुध हार रे क्रमागत वृद्धि हेतु बैंक गुड़िक मध्य एफडी उपरे सुध हार वृद्धि करिछंती। अनेक बैंक गुड़िक एफडी उपरे सुध बा अधिक सुध प्रदान करिछंती बोली जणा पड़िछे। परवर्ती खबर, मासकु 90,000 ईवी बिक्री ए वर्ष बिक्री 2,00,000 टपिब। देशरे इलेक्ट्रिक गाड़ी बा ईवी रो ग्रहणीयता वृद्धि पाउछि। मासकु हाराहारी 90,000 इलेक्ट्रिक बा इलेक्ट्रिक गाड़ी बिक्री हेउछि। जदि एही धारा बजाय रहिबो तबे 2023-24 ईवी बिक्री 2,00,000 रु अधिक होइ जिवो बोली अनुमान करा जाउछि। देशरे दुई चकिया ओ तीन चकिया ईवी अधिक बिक्री हेउछि बोली जणा पड़िछि। प्रति मासरे विभिन्न कंपनी नुआ नुआ मॉडल आसीबा ओ चार्जिंग पॉइंट संख्या बढ़ाइबा सह गाड़ी चलाइबा कम खर्च होइथुबारु लोक माने ईवी किणिबाकु आग्रह देखाउछंती। वाहन वेबसाइट तथ्य अनुसार मासिक ईवी पंजीकरण संख्या 84,000 रु अधिक रहिछे। गत फेब्रुआरी रे 1,05,000 रु अधिक ईवी बिक्री होइतला।
चलित आर्थिक वर्ष रे 690,000 अधिक द्वितकिया ईवी ओ 372,000 अधिक तीन चकिया ईवी बिक्री हेबो बोली विशेषज्ञ माने पूर्वानुमान करिछंती। 2023 रा प्रथम तीन मास रे देशर 278,000 ईवी बिक्री होईछि बोली जणा पडिछे।